दोस्तों सुबह के 7 बजे हैं। इस वक्त हम हैं नेपाल बॉर्डर के यहाँ पर। अभी ये जो हिस्सा है हमारी तरफ जो देख रहे हो, ये पूरा का पूरा अभी भारत में है। लास्ट 5 मिनट में हम नेपाल बॉर्डर पे होंगे। तो हमारे नेटवर्क जो है फ़ोन के, उन्होंने यहीं से ही काम करना बंद कर दिया। और आगे जो आने वाले 3 दिन है उसमें आपको कुछ भी ऐसी फ़ोन कॉल की सुविधा नहीं मिलेगी। वहाँ से अगर आप चाहोगे तो अलग से एक्स्ट्रा आपको सिम परचेज करनी पड़ेगी। यह है भारत के आखिरी बॉर्डर के ऊपर स्थित ये कोई गांव या कोई कस्बे हैं, जहां पर आप देखिए कि दुकानें वगैरह खूब है, मार्केट खूब है यहां पे, लेकिन अभी पूरा पूरा मार्केट बंद है। इस वक्त आज है 18 सितंबर 2024, यात्रा का है 10वां दिन। इस वक्त हम भारत के आखिरी बॉर्डर के वहां पर है, यानी नेपाल की तरफ हम एंट्री करने वाले हैं। तो ये जो हिस्सा और जो कस्बा है, यह भारत का और नेपाल का हिस्सा है। अभी अनमोल भाई इंडियन बैकपैकर से बात हुई थी, वो बता भी रहा था कि यहाँ पे बॉर्डर के ऊपर कुछ देर वेट करना होगा, चेकिंग वगैरह होगी, उसमें आपके बैग भी चेक किए जाएंगे और आपके कुछ आइडेंटिटी यानी आधार कार्ड वगैरह पासपोर्ट वगैरह लेने के बाद में आपको एंट्री दी जाएगी। और यहीं से ही लाइन लगना शुरू हो गई है, सभी जितने भी साधन जाते हैं सबकी यहाँ पर चेकिंग होती है। ये इंडिया की तरफ का हिस्सा है, इसके आगे देखो वो बॉर्डर, और यहाँ पर ये जो दिख रहा 3 पट्टी में, ये है अपने इंडिया की तरफ का बॉर्डर। और जस्ट उसके करीब करीब 100 मीटर आगे वहाँ पर देखो, जूम करके दिखाता हूँ मैं आपको, वह है नेपाल की तरफ का हिस्सा। इंडिया वालों ने ये कुछ स्ट्रक्चर बना रखा बॉर्डर के यहाँ पर। और अब देखो हमारी वो है, वो सामने दिख रहा है, वो नेपाल है। अब यहाँ पर देखो ये कुछ पुलिस वाले हैं नेपाल की तरफ के, वहाँ पर है नेपाल का झंडा भी। यहाँ पे लिखा हुआ भारत आगमन पर आपका स्वागत है, वेलकम टू इंडिया। और जस्ट इसके आगे यहाँ पे रोड है, और ये जो रेड पट्टी की आपको दिख रही है ये है यहाँ का मिड पॉइंट। देन उसके बाद में आगे की तरफ वो है नेपाल, और यहाँ पर लाइन लग चुकी है लोगों की, इनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह वेरीफाई होंगे, सभी लाइन में लग चुके हैं, अब इनकी चेकिंग होगी यहाँ पर बॉर्डर पर। यहाँ पर सिर्फ फॉर्मेलिटी हुई है, हमसे हमारे आधार कार्ड वगैरह चेक किए और बैग्स वगैरह कुछ लोगों की चेक किए, सभी की चेक नहीं किए। और अब हम एंटर हो चुके हैं नेपाल बॉर्डर के, ये तो उधर की तरफ पीछे रह गई हमारी इंडियन बॉर्डर, और ये सभी लाइन लगा करके जा रहे हैं। एक मशीन से, हाई सिक्योरिटी मशीन के, वहाँ से गुजरना होगा सभी को। इसमें देखो कैमरा में फोटो आ रही है मेरी। अब ये पूरा का पूरा जो हिस्सा है ये नेपाल की तरफ का है। बस की चेकिंग होकर के बस भी आ चुकी है। नेपाल की जो सड़कें हैं उनको तो मैं आपको क्या दिखाऊं, बिल्कुल खराब रोड है, नेपाल के ही सबसे ज्यादा खराब रोड है। और अब यहाँ से हमें काठमांडू जाना है, वहाँ पे रुकेंगे। एक चीज़ और, आपको यहाँ पे करेंसी चेंज करवाने की नीड नहीं होगी, क्योंकि आपने जो इंडियन रुपीज़ है वो यहीं चल जाएंगे। अमूल जो आइसक्रीम है देखो यहाँ नेपाल के अंदर भी चलती है। फिलहाल हम ये कह सकते हैं कि हम विदेश में आए हुए हैं, बिकॉज नेपाल भी तो अलग ही कंट्री है, तो नेपाल के अंदर आ चुके हैं। और यहाँ की जो नंबर प्लेट्स होती है गाड़ियों की, वो अलग कलर की होती है, रेड कलर की है। देखो इसके ऊपर देखो जो गाड़ियाँ हैं इनकी प्लेट रेड कलर की है। यदि आप लोगों का मोबाइल इंटरनेशनल रोमिंग को सपोर्ट करता है तो इसमें ऑप्शन आएगा, सेटिंग के अंदर आप जाकर के देखना, बहुत सारी कंट्रियाँ हैं जिसमें कुछ चार्ज आपको पे करना होगा, फिर आपकी सिम विदेश में भी चल जाया करेगी। जैसे इसमें मेरे देखो सभी कंट्रीज़ का अलग अलग चार्ज होता है, तो जैसे कि बहुत सारी सिम मुझे देखना है नेपाल का, तो नेपाल का $20 ये लेगा मेरे से 8 दिन के लिए, तो सिम भी चालू हो जाएगी और इंटरनेट भी इसमें चालू हो जाएगा, तो आप ये कर सकते हो। काफ़ी डिटेल्स इसमें है, तो इनको यहाँ से बाय कर सकते हो। यदि आपकी सिम के अंदर इंटरनेशनल कॉलिंग का रिचार्ज पैक है तो आपकी सिम के अंदर इंटरनेट कॉलिंग सब सुविधाएं आपको मौजूद होगी, चाहे आप किसी भी देश में चले जाओ, लेकिन उसके लिए आपको उस देश में जाने से पहले उसी देश का रिचार्ज करवाना होगा। जैसे कि मेरा नेपाल के अंदर था $20 मुझसे लिए गए 1 महीने के लिए, तो ठीक है कॉलिंग वगैरह की सुविधा मिल जाएगी। अदरवाइज़ अगर आप यहाँ से सिम लेते हो तो उसको शायद चालू होने में थोड़ा टाइम भी लगे, तो मैंने इसमें रिचार्ज कर लिया और अब मेरी सिम में नेटवर्क भी आ चुके हैं। भारत नेपाल बॉर्डर पर यहाँ आसपास के जो क्षेत्र है, गांव है, वहाँ पर इंडियन करेंसी चल जाती है। और यहाँ पर देखो पेट्रोल जो पंप है वो भी सेम सिमिलर से ही मिलेंगे, रेट वगैरह में कुछ खास फर्क नहीं है, पेट्रोल पंप का सिस्टम वगैरह कुछ ऐसा ही है जो यहाँ पर अपने इंडियन की तरफ होता है ना, वैसा ही यहाँ पर है। जैसा कि आप सभी को पता भारत और नेपाल के अंदर काफ़ी अच्छी मित्रता है, अगर भारत के लोग यहाँ नेपाल में आते हैं तो यहाँ की GDP, यहाँ का पैसा मजबूत होता है, क्योंकि भारत का पैसा नेपाल में जो आ रहा है।
नेपाल की प्राकृतिक सौंदर्य को देखिए, कितने शानदार यहाँ पे लग रहे हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ, हमारी मस्त क्या पानी मिलेगा ही है, पी लो भाई। जो रोड देखे हैं ना नेपाल के, वास्तव में यार बैंड बजा दी। यहाँ पर प्राकृतिक सौंदर्य वास्तव में अद्भुत है, लेकिन उस प्राकृतिक सौंदर्य को खत्म कर दिया यहाँ के रोडों ने भाई। इस गाड़ी में मोनोशॉक जो सस्पेंस होते हैं वो है, लेकिन फिर भी मतलब इतने इसमें रेचे हमारे को देखने मिल रहे हैं बहुत ज्यादा। मोनोशॉक सस्पेंस मींस आजकल गुब्बारे वाले आ गए हैं, पहले आते थे कबाड़ी पुरानी गाड़ियों में बसों में, उसके बाद में जो सस्पेंस आने लगे स्प्रिंग वाले, और अब आने लग गए गैस के ऑयल वगैरह के, इनके गुब्बारे आते हैं उनके अंदर, तो उसकी वजह से गाड़ी को ना जो बैलेंस टायर का इस तरह से लेकर के चलती है, चाहे एक सेकंड नैनो सेकंड्स के अंदर टायर को उठा करके वापस उस जगह पर रख देती है, उसको बोलते हैं मोनोशॉक सस्पेंस। ये पूरा पहाड़ के अंदर से देखो पानी आ रहा है, और कितना शानदार, बहुत ठंडा पानी है। हरकेश भाई पी, पानी पी मस्त है, यहीं पे करोगे स्टे अब? हाँ जी, बढ़िया है। खाना खिलाएंगे सर, खाना भी यहीं खिलाएंगे, और फिर देखो भाई याद रखोगे इस मोमेंट को, प्राकृतिक नजारों के बीच में आप खाना खाओगे तो मजा आ जाएगा। और ये देखो चीजें कितनी गजब क्या है, लुक आ रहा बहुत शानदार तरीके का। बस वहां पे खड़ी है, आगे वाली बस भी आगे की तरफ है या पीछे की तरफ है। सर जी ये नेपाल की जड़ बूटियों का पानी है, ये ताजा पानी पीने से बहुत शरीर की आधी बीमारियां खत्म हो जाती है क्या, और अच्छे अच्छे जितना छन के आता है ये पानी पहाड़ी में, जितने पेड़ पौधे उनकी जड़ों का छना हुआ पानी आता है, इससे पीने से कई बीमारियां हट जाती है शरीर की। हलवाई वगैरह जो होते हैं इन सभी को पता होता है कि आगे रास्ते में कहीं पर भी ऐसी कोई व्यवस्था नहीं मिलेगी जहाँ पर हम खाना बना सके, तो अभी पहाड़ों के बीच में बिल्कुल छोटी सी जगह एक मंदिर का कुछ स्थान मिला है, वहाँ पर बिठा करके सभी को खाना खिला रहे हैं। कुछ लोग इधर की तरफ बैठे हैं वो, तो कुछ लोग यहाँ पर बैठ करके खाना खा रहे हैं, और ये पूड़ियाँ लेकर के जा रहे हैं, और पूड़ी सब्जी सलाद अचार ये सब कुछ आज वहीं से बना करके लेके आए थे जहाँ लास्ट टाइम हमने स्टे किया था वहाँ से। ये नेपाल के अंदर एंट्री लिए उसके बाद में सेकंड चेक पोस्ट आ चुकी है। ये नेपाल के रुपए देखो, शायद 10 रुपए है, इसका रुपया 10 लिखा हुआ है। 40, 50, 60, 70 नेपाली 70 रुपए। ये इधर की तरफ यहाँ पे नेपाल से, और ये काठमांडू की तरफ जाने वाला रास्ता है। ये सफाई के लिए रखते हैं, खाना नाश्ता कुछ भी बनाओ, ये चार्जिंग लगता है यहाँ पे, ठीक है। ये देखो इधर, देखो इधर, देखो 800 रुपए खाना बनाने का, 800 रुपए। देखो ये 16 दो गाड़ी का 1600 रुपए। देखो ये सबका एक ही रेट होता है यहाँ पे, चाय बनाने का 300 रुपए। यहाँ तो लिखते है ना, अब हम प्रिंट होना चाहिए ना, प्रिंट तो नहीं है यहाँ पे, बोर्ड लगा रखा है मंदिर के ट्रस्ट की, अगर पर्ची है तो प्रिंट होना चाहिए ना इसमें। एक गाड़ी का अलग अलग लगाना, अरे एक भाई एक गाड़ी का वीडियो मत बनाओ यार भाई, ये एक ही गाड़ी का होगा, पत्रकार है अभी भी तो कुछ करना है हमारा। ये रोड के प्राइवेट प्रॉपर्टी है आपकी? प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं, मंदिर का ये प्रॉपर्टी है, ठीक है। ये ना रास्ते में बना के ना आप परिधि में जो सारी गाड़ी निकले उनका सबको फाइन कर दो। नहीं नहीं, सबका फाइन नहीं होता, खाना बनाओ या मंदिर का ये चार्ज देते हैं सर सफाई के लिए, इधर होता नहीं, यहाँ पे होता है ना, क्या करें आप लोग, यहाँ पे चार्ज लेते हैं आप, चार्ज आप
आप लोग उसे नहीं लेते हम चार्ज, आप लोग ना हम लोग अच्छा नहीं लेते हो। जब मंदिर पब्लिक प्रॉपर्टी है तो ये दुकान वाला यहाँ पर आकर के चार्ज मांग रहा था कि बोले चार्ज दो हमारे को, अब किस चीज़ का चार्ज लोगे तुम। यहाँ की जगह का निरीक्षण करने जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हम खाना बनाने वाले हैं। उधर भी बना सकते हो खाना खाने का जगह आप लोग। ये सीढ़ियाँ आ रही है जो आपको इस नदी के यहाँ पे लेकर के जाएगी। नदी का नाम है नारायणी और इसको जहाँ से उद्गम होती है उस जगह के ऊपर कहा जाता है इसको गंडकी नदी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे देखो कुछ डिटेल लिखे हुए, आप पढ़ लेना इसको। और जंगल देखो कितना ऊपर है, पिताजी और सीताराम जी ऊपर से आ रहे हैं। देखो पेड़ को की साइज बहुत बड़ी बड़ी है और यह है सामने नदी आपके, कितनी शानदार लग रही है। यहाँ पे भी वही दो तीन नदियों का संगम है मित्रों, दो तीन नदियों का। देखो यहाँ पे कोचे, ये कोचे हैं यहाँ पे, ये स्नान घाट बनाया हुआ है यहाँ पर। और नदी का जो बहाव वास्तव वाकई बहुत सुंदर है, बहुत शानदार लग रही है। बजरी है देखो यहाँ पे, बजरी इधर की तरफ। वाह ऐसा लगता है विदेश में आ गए हो। शालिग्राम भगवान की जैसे। अच्छा देखते दिखाओ मेरे को, पहचान जाऊंगा। अरे यार काबिल बंदा है ये तो, काबिल बंदा है। क्या मिला कुछ पत्थर वगैरह? पत्थर वगैरह पत्थर क्या शालिग्राम भगवान? शालिग्राम तुम ये इसी नदी में से मिलते हैं दोस्तों। अयोध्या में जो शालिग्राम पत्थर गए थे नेपाल पोखरा से वो, और ये नदी जो है पोखरा से निकल करके आती है और ये नदी, इसी नदी के अंदर वो शालिग्राम पत्थर मिलते हैं। ज़्यादा गहराई में तो जाना नहीं, बिल्कुल फिनिशिंग में होता है, इस तरह के नहीं होते हैं, बिल्कुल क्लियर होते हैं। ये नहीं है ठंडी होगी तो बहुत ज़्यादा ठंडी है ये तो। कोई ये नहीं बता सकता कि ये कोई नदी, ऐसा लगता है कोई बीच हो, किसी समुद्र का बीच हो। देखो कितने गजब का यहाँ पे बिल्कुल फिनिशिंग है यहाँ पे चारों तरफ। और ये देखो यहाँ पे जैसे पैर रखता हूँ वैसे ही मिट्टी अंदर की तरफ चली जाती है, बहुत शानदार है। और अयोध्या के अंदर जो पत्थर गया था यहाँ से पोखरा से, तीन सिलाई गई थी नेपाल पोखरा से, वो इस नदी की जहाँ से उद्गम होता है उस जगह से वहाँ से गई थी। और इस नदी के अंदर ही निकलते हैं शालिग्राम पत्थर जो कि मेरे पास भी अयोध्या में जब मैं गया था प्राण प्रतिष्ठा के दौरान तब मुझे दिया गया था। पानी निकला वाला थोड़ी देर में ना, थोड़ी देर ये मारा आगो देखो। चलो के निशान है। ये पैंथर के निशान है ना, ये बड़ी वाली का है, ये बड़ी वाली का है। दोनों फोटो तो इसका बच्चा और ये आया होगा देखो। वो कह भी रहा था यहाँ पे जो पंडित है ना, देखो ये साथ में गए हैं, बोले यहाँ पे पैंथर वगैरह कुछ है तो वास्तव में जंगल है। देखो होगी भी यार यहाँ पे कितना जंगल। कहाँ वो जड़ाई होगी किसी ने, हाँ वो कोई शमशान घाट होगा कहीं पे घाट के, वहाँ उसमें से लाश बह करके जा रही है। इसने शिकार किया है और देखो ये गाय के किसी के जानवर के निशान है, गाय के होंगे शायद खुर है ना जो, और ये बड़े उसके पैंथर हो या फिर उनके निशान है। ये सब पैंथर क्या है? बड़ा बड़ा पैंथर है आसपास ये भैया कहीं आसपास ये देखो कितना घना जंगल है देखो ये पूरा इसमें ही है वास्तव में। अरे इतनी देर अटे नहीं रहे वो तो लंबा दूर चला जाता है। हाँ इधर है ना, इधर वो घर वगैरह वहाँ से कहीं से लाया होगा, सही बात है। यहाँ पे इसका शिकार किया वो जगह पे बता। अच्छा इस जगह पे शिकार कर रहा वो पैंथर, देखो वहाँ से राउंड मारता हुआ आया इसका यहाँ शिकार किया वो दौड़ा है। देखो ये खूब घूम आया यहाँ पे चारों तरफ उसको पकड़ने के लिए भागा होगा।
ये जगह जगह निशान बने हैं ना यहाँ पे, यहाँ पे चारों तरफ उसके राउंड देखो यहाँ पे, नहीं इतने गो टहलने के लिए इतने थोड़ी जगह कवर करता वो। हाँ इंडक छीना चपटी हुई होगी उनके वास्ते में कुछ ना कुछ, ये देखो ये पूरी जगह पे। इधर तो खैर अभी अपने जो अपन आया ना उसकी वजह से हो गया। बहुत घना जंगल है दोस्तों, बहुत घना, और इसमें ये देखो नले नाकले बने हुए हैं पूरे, इसमें पेड़ों की हाइट बहुत लंबी है। सभी लोग इस मंदिर के यहीं पर रुक गए हैं और देख लो आप चारों तरफ बैठे हुए लोग। आज बन रही है आलू गोभी की सब्जी, बढ़िया शानदार, और नजारा तो आप देखो कि इधर नदी है पूरी, जो नारायणी नदी है उसका नजारा, और उसके किनारे पर बना रहे हैं हम यहाँ पे साग सब्जी। नहीं वो निशान थे अभी, ये कह रहे हैं वो टाइगर के हैं, टाइगर है जा रहे हैं, तो बहुत सारे ना बंगाल टाइगर, जैसे इंडिया वाला टाइगर होता है ना, वही टाइगर अभी तो, वहाँ पे कुछ शिकार के भी निशान थे, हो सकता है कुछ शिकार किया हो एक दो दिन में। शिकार करने अलाउड नहीं है, शिकार करने के अलाउड है नहीं, 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 को थोड़ी कोई उसके पर थोड़ी कानून चलेगा, नहीं या किसी बाग वगैरह शिकार होता है ना, जो बंदेल जैसे जंगली सुअर, जंगली सुअर तो अभी निकल जाएगा, यहीं पे दिख जाएगा हरिन, हरिन बोलते मिल हरिन तो यहीं पे निकल जाता है, यहीं पे दिखाई देता है, और जानवर तो है ना, जानवर तो इसलिए तो हम लोग मना करते हैं अंदर मत जाओ, साफ दिख सुअर। यहाँ से पोखरा जाते हैं, पोखरा से पैकेज होता है, अच्छा एक आदमी का गाड़ी से आना जाना परमिट बनता पर रेट का 1000 रुपया परमिट का, गाड़ी से आना जाना खाना होटल में रहने का पैकेज बनता है 6000 रुपये, 2 दिन का टूर होता है वहाँ जाने के लिए गंडकी नदी। यहाँ ये स्वामी नारायण वाले कुल आश्रम जिसे कहते हैं स्वामी नारायण कुल आश्रम विष्णु जी का, वहाँ धरोहर है, विष्णु भगवान का शक्ति वहाँ पत्थर में, अच्छा पत्थर में जो शालिग्राम वो शालिग्राम पत्थर है, हम लोग हिंदू में पूजा करते हैं, और वो नेपाली लोग उसको तोड़ के उसके अंदर से रत्न निकालते हैं, सोने निकालते हैं, तो उसमें तोड़ने पर किसी में चक्र का निशानी रहेगा किसी में, तो नेपाल का शालिग्राम है, एक इंडिया का शालिग्राम आता है वो गोदा कौन सा गोमती नदी में, वो जितना होता है एकदम लाइट है, यहाँ का ब्लैक होता है, यहाँ का ब्लैक होता है, तो पोखरा जाए तो वहाँ पे मिल जाते हैं शालिग्राम, पोखरा में नहीं कुलाश्रम, कुलाश्रम मुक्तिनाथ अपना उसमें नहीं, इसके लिए तो और लंबा खर्चा है, एक आदमी का 6000 का नेपाल नेपाल में पैकेज बनेगा, और जो अपना उधर का पैकेज है अलग से। तो ये जो नदी आ रही है इसका नाम आगे पोखरा में तो है गंडकी नदी, यहाँ पे नारायणी नदी पड़ जाता है, तो नदी वही रास्ते में आपको मिलेगा त्रिशूली नदी, इधर से आएगी गंडकी, फिर इधर से आएगी बूढ़ी गंडकी, ऐसे रास्ते में सब का जल मिक्स होते होते इस नदी में यहाँ तक आते आते 9 नदी का, अच्छा 9 नदियाँ मिल जाती है इसमें, आगे मिलेगी या इसमें नहीं है, नहीं आगे मिलेगी इसमें या आगे ब्रिज आएगा, वही सबसे बड़ी पार्ट है, अच्छा वो मिल जाती है ऊपर से, अब एक जगह से नहीं मिला है कोई पहाड़ी से, इधर रास्ते में जाते जाते कोई इधर से आएगा कोई इधर से आएगा, सारी जल एक ही, यही नदी जाकर गंगा नदी मिल जाती है, नारायण की गंगा मिलती है, मीठा पानी है समुद्र का पानी जो होता है जमीन में उधर नून नमक निकलता है, वो नमक से खारा होता है, फिर ज्वार भाटा आता है, इधर की मैं लवण है, लवण लवण जिन से वहाँ पर लून खाचा अपने लवण होते हैं, तो लवण मिट्टी में गुड़े होते हैं, तो बरसात के पानी के साथ गुड़कर नदियों में आ जाती है, नदियों से समुद्र में चल जाती है, अब वो पानी तो भाप बन के उठ जाता है ना, और वो लवण रह जाता है, तो लवण बढ़ता ही रहता है, पानी आता रहता है क्योंकि हर बार बहके जाती है, तो इसके साथ लवण बहके, तो लवण लवण में रुक जाता है। नेपाल पुलिस महिंद्रा का जो पिकअप होता है उसको यूज करती है, 4x4 में आता है, कुछ टाइम पहले इंडिया में भी चले थे लेकिन अब बंद हो गए, और देखो कितने बढ़िया लगते हैं, अगर चले ना इंडिया में तो काफी लोग इनको परचेज करें। अभी आरती हो रही है तो एक बार आरती भी हम करते हैं।